वेलकम टू यश पब्लिक स्कूल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ाएंगे सेंस ऑर्गन के बारे में। उस दिन हम सेंस ऑर्गन का वन पार्ट पढ़ा दिए थे ना, स्किन के बारे में। आज हम पढ़ाएंगे ईयर के बारे में। ठीक, ईयर में कान, इनर ईयर में टू लेयर होते हैं, एक है आउटर लेयर, एक है इनर लेयर। हमको सुनाई किससे देता है, आउटर से या इनर से? इनर लेयर से। आउटर लेयर में पिन्ना, कर्ण पल्लव, ये हमारा बाहरी भाग है। ठीक है, ये जो कर्ण पल्लव है, पिन्ना है, इसको मतलब इसका काम क्या है, बैलेंस बनाने का काम करता है। और ये बना किससे होता है, कार्टिलेज, कार्टिलेज में नरम हड्डी। ठीक, हेलिक्स, हेलिक्स हमारा कान के ऊपरी भाग है। और लेबला हमारा जो है, जो हम बालियां पहनते हैं, लड़कियां बालियां पहनती हैं ना, वो जिसमें बालियां पहनती हैं उसको लेबला कहा जाता है। ठीक, आजकल तो लड़के भी पहनते हैं। ठीक, अब ये जो है बाहरी भाग, बैलेंस मतलब जो है इसमें सिर्फ हम पहन सकते हैं कुछ, लेकिन इससे सुनाई हमको कुछ नहीं देगा। ठीक, फिर इनर लेयर में जाएंगी। जैसे जैसे एक नली बनी होती है ना कान में, देखो अंदर नली बनी होती है ना, उसको कहते हैं कैनाल। जो पर्दा होता है कान का, ईयर ड्रम, जब ध्वनि जाती है तो हमारे ईयर ड्रम पे वो आवाज़ करती है, जिससे ऑसिकल्स, ऑसिकल जो है उस आवाज़ को बढ़ाने का काम करता है, आयाम है, जिसको कहते हैं आयाम। आयाम की मदद से ये पहुँचता है कैकोलिया तक। कैकोलिया में ये ऑसिकल्स में पहले ये थ्री हड्डियाँ पाई जाती हैं, मेलियस, इनकस, स्टेपीज। ये स्टेपीज को स्टेप्स कहा जाता है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है कान की, स्टेपीज। ये कहाँ पाई जाती है, इनर लेयर में, ना कि बाहरी भाग में। ठीक, कैकोलिया, कैकोलिया सिग्नल देता है ब्रेन में, ब्रेन की किस में, कारपोरा पेंडिकल में। ठीक, इसी वजह से हमको सुनाई देता है। देखो जब कभी कभी जो है बहुत ज़्यादा या पटाखा दगा या कुछ साउंड बहुत तेज हुआ तो हमारा मुंह खुलता है, मुंह खुल जाता ना हक से बहुत तेज़ी से, वो किस वजह से, क्योंकि पर्दे पे जो मतलब आवाज़ जाती है वो बहुत तेज़ होती है, उसको बैलेंस करने के लिए हमारा मुंह खुल जाता है। यहाँ से नली गई होती है जो हमारे गले में भी गई होती है, ईयर की जो नली मतलब नसें गई होती हैं वो मतलब गले के, गले में भी गई होती हैं, इसी वजह से हमारा मुंह खुल जाता है। ठीक,